उत्तराखंड में पांचवी विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। तीन दिवसीय सत्र का आगाज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से हुआ। राज्यपाल ने इस दौरान सरकार की ओर से अब तक किए गए कार्यों को सदन पटल पर रखा। पर्यटन, खेल समेत तमाम क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों को लेकर राज्यपाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार को अब तक किए विशेष कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है और अब सदन की कार्यवाही 3 बजे शुरू होगी। सरकार नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए का लेख अनुदान पेश करेगी। बता दें कि राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उत्तराखंड में पांचवी विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय सत्र का आगाज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, अभिभाषण की शुरुआत हुई और 3 बजे तक के लिए फिलहाल कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 3 बजे के बाद क्या कुछ होने वाला है, आपसे जानना चाहेंगे। आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से देखिए उत्तराखंड विधानसभा का गठन हो चुका है, यानी पांचवी जो विधानसभा है, पंचम विधानसभा के गठन होने के साथ ही विधानसभा इस डायरेक्शन में काम करना चाहती है। 4 दिन में सरकार का रहने वाला है। पिछली सरकार की योजना है धरातल पर, लाभान्वित लोग कैसे हो पा रहे हैं इस बात का जिक्र राज्यपाल के विभाग सदन में। राज्यपाल ने जहां उसके बाद बकायदे जो उत्तराखंड विधानसभा की जो कार्यवाही है 3 बजे तक चले स्थगित कर दी गई और 3 बजे के बाद एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ेंगे और उसके बाद 4 बजे लेखानुदान आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। तकरीबन 4 महीने तक लेखानुदान बजट होगा और 20,000 से सदन के पटल पर आएगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये विपक्ष का सवाल है, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। लिहाजा कांग्रेस के हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत ने जरूर महंगाई के खिलाफ बढ़ते हुए रसोई गैस सिलेंडर के दामों को लेकर, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के प्रदर्शन किया है और आज जिस प्रकार से उन्होंने एक बैनर के स्लोगन महंगाई के खिलाफ लिखे थे और सदन के अंदर भी उन्होंने प्रदर्शन किया और सदन के बाहर जब वो गैलरी में आए तो वहां पर भी बैठ करके मीडिया के सामने तो उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर महंगाई नियंत्रित न करने के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में से सब्सिडी देकर के लोगों को महंगाई से निजात दिलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद भी न ही भारत सरकार और न ही राज्य सरकार कोई समस्या प्रयास कर लिया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था राज्य सरकार। बिल्कुल, तो देखिए विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है और 3 बजे तक फिलहाल जो स्थगित है ये, और अब 3 बजे के बाद कह सकते हैं कि विधानसभा शुरू होगी। क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये देखेंगे। फिलहाल शुक्रिया करेंगे श्रीनिवास आपका पूरी जानकारी।